गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खो गई, वीडियो क्यों नहीं बना रही, दो दिन से मैंने क्यों नहीं कुछ कर बनाया और वीडियो डाला। तो गाइस, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी थोड़ी, तो दो दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो सोचा आज मैं आपके लिए अच्छे से बन ठन के एक अच्छा वीडियो डालती हूँ। सो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ अच्छे से, और आप देख सकते हैं मैंने आज बाल भी खोल दिए सारे, क्योंकि बहुत शाइन कर रहे थे आज मेरे बाल हेयर वॉश करने के बाद। तो मुझे लगा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ लंबे काले बाल। देखिए आप, जस्ट जोकिंग गाइस, इग्नोर मी। तो गाइस, और बताइए आप कैसे हैं, और आप कमेंट करके मुझे बताइए ना गाइस कि मुझे और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आगे। और मुझे कुछ टॉपिक्स भी चाहिए थे, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे कि मैं किस टॉपिक पे और आपको कुछ बना के दे सकती हूँ। तो मुझे याद आया कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आपकी जो स्किन है उसका ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं आज ये शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं क्या लगा रही हूँ, क्या लगाती हूँ। वीकली लगाती हूँ, मैं डेली कुछ नहीं लगाती। तो ये है वो प्रोडक्ट, एलोवेरा का स्क्रब। ये है एलोवेरा एंड विटामिन ई एंड B5। तो ये आपको मैं लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस यही मैं स्क्रब लगाती हूँ एलोवेरा का, क्योंकि एलोवेरा ही हमारे स्किन को अच्छी रख सकती है। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उस पर मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है कि मेरी स्किन कब कुछ डैमेज हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और चीज़ें मुझे यही अच्छा लगा, मतलब जब मैंने यहीं पर ही लिया था ये मलेशिया में, पर आई थिंक ये इंडिया में भी मिलता होगा। तो आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा किसी, मतलब कोई मॉल या शॉप वगैरह में, जहाँ पे भी आप बाय करते हैं चीज़ें। तो बस, और आज आपको मैं किसी स्पेशल इंसान से मिलाने जा रही हूँ, किसी स्पेशल पर्सन से आपको मिलाने जा रही हूँ, जिसे आप देख के भी आप लोग खुश हो जाएंगे कि फाइनली हम मिल गए। तो बस आप वेट कीजिए, तब तक के लिए मैं कुछ करने जा रही हूँ, उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे उस स्पेशल इंसान को किस तरीके से मिलाना चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ स्टे ट्यून। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे आज स्पेशल पर्सन से आपको मिलाना है, और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, बट वो प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन रह गई, क्योंकि उनको मिलाने के लिए मुझे उनको खींच के लाना पड़ा, और वो आप आ चुके हैं, आप मिलिए मेरे हस्बैंड से। नहीं नहीं, सबसे पहली बात तो कोई खींच के नहीं लाना पड़ा, मेरी भी मर्जी थी कि मैं भी आप लोगों से बहुत जल्दी मिलना चाह रहा था। तो मैंने कहा आज एक अच्छा दिन है, वेनेसडे हम लोग वैसे भी अच्छा मानते हैं, तो मैंने कहा मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बस वही, मैं आज आ गया। वैसे मैं इधर ही रहता हूँ, कहीं और नहीं रहता हूँ, यहीं रहता हूँ, इसी घर में, ठीक है, यहीं पे रहता हूँ दिन भर, और अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो काम में लगे रहते हैं। बाकी तो क्या, बाकी आपको मेरे बारे में बताया होगा दीपशिका ने, ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि भाई वैसे नाम तो पता होगा आपको, एक नहीं बताया नाम, नाम ही नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ, एक जेनरिक इंट्रो हो जाता है, ठीक है, सब सब्सक्राइबर से मिल लेते ना फर्स्ट टाइम, तो बता देता हूँ। तो नाम मेरा वैसे ऑफिशियल नाम है शिमांशु, घर पे भी मतलब शिमांशु ही है, ठीक है, और मैं अभी मतलब आईटी सेक्टर में हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है, और अभी हम लोग मलेशिया में हैं। इससे पहले हम लोग गुड़गांव में थे, उसके बाद हम ये लोग यहाँ आ गए, यहाँ पे मतलब 3 एंड 3.5 ईयर्स हो गए। बस अभी लास्ट ईयर जो हुआ मतलब प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो ये अभी तक हमारे चल रहा है लाइफ में एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि अभी भी बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं हुआ है।
अभी हम लोग कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट वन ईयर कंटिन्यू हो गए मतलब। तो ये सब तो एक अलग बातें रही, रही बात इसके चैनल की बात करते हैं। एक्चुअली ये बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ सब पर्सनल रीजन, कुछ पर्सनल चीज़ें रहती है आफ्टर मैरिज वो सब को पता होती है, तो उसके कारण ये बिफोर मतलब दो साल पहले मतलब ये स्टार्ट करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया। तो अब जाके इसको मोटिवेशन तो इसमें था ही, हमने और इसको मोटिवेट किया, सब लोगों ने किया, नॉट ओनली कि मैंने ही किया इसके यस। तो अभी जैसा कि इसका चैनल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ठीक है। अभी तक मैं एडिटर था, वीडियो एडिटर, अब मैं को एक्टर हो गया, वीडियो में भी आने लगा हूँ आज से। तो अभी देखिए क्या होता है कि अभी मेरे को भी आप लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा देखो, क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ इसके व्लॉग्स में, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आऊँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर, आपको झेलना पड़ेगा जैसे भी है। मैं कुछ नहीं, मेरा मतलब मैं आपको फूड टिप्स दे सकता हूँ क्योंकि आई लव टू मेक अ फूड, मैं वीकेंड पे बनाता भी हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है या इसको अच्छा लगता है ठीक है। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा जब भी कुछ स्पेशल मैं कुछ घर में बना रहा हूँ तो वो ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और उसके साथ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको दूंगा कि आप उसको वैसा का वैसा कैसे बना सकते हैं। तो ये सब मेरे बारे में है, मतलब फूड लवर हूँ मैं। लेकिन आप एक चैनल हमारा सब्सक्राइब कर देंगे तो आप अगला चैनल इनका भी देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है चैनल वैनल, अभी हम फोकस कर रहे हैं कि भाई दीपशिका मतलब कुछ अपना करे, और इसका इंटरेस्ट था, पढ़ी लिखी है लेकिन इंटरेस्ट और चीजों में है ज्यादा, तो इसलिए जो जो चीज देखो क्या होता है कि लाइफ में आदमी बहुत कुछ करना चाहता है ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत कुछ होती है दूसरे लोगों को उससे, लेकिन आदमी का इंटरेस्ट जिस चीज में होना उसी में उसको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। आप किसी और में भी जाओ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब होता है ये सब, आप मतलब सब लोग मेरे से ज्यादा मतलब नॉलेजेबल होंगे ऑब्वियस बात है, हम लोग तो अभी जस्ट स्टार्ट किया अपनी मैरिड लाइफ, अभी मतलब 5 years भी अभी अप्रैल में 22 अप्रैल को कंप्लीट होंगे हम लोगों को, और अभी हमारा बेबी भी अभी छोटा है, और इसके आगे ये है कि देखो घर वगैरह इसने दिखा दिया आप लोगों को, छोटा सा घर है, फ्लैट ले रखा है ऑफिस के पास में है, कि भाई मैं भी आराम से ऑफिस चला जाऊँ, कभी भी इमरजेंसी तो आ जाए, क्योंकि अपन अभी अदर कंट्री में यहाँ पे फैमिली सपोर्ट तो है नहीं, फ्रेंड सपोर्ट है या जो नेबर्स हैं बस उनका ही, तो वो चीज़ है। दूसरा चैनल से रिलेटेड मैं ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, ये वीडियो डाल रही है, 2 दिन इसने वीडियो नहीं डाले क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी कहा ठीक है तुम पहले रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, यू नो कि मलेशिया का अगर आप भी देखोगे वेदर बहुत जल्दी चेंज मेरा भी गला अभी खराब है फिर भी मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली वेदर क्या है ना कि अभी 2 दिन से यहाँ पे खूब ज्यादा रेन हो रही है, दिन में बहुत ज्यादा हुई, कल तो तबीयत इसकी भी खराब थी, मेरी भी मतलब गले में दर्द और ये मतलब हम लोग क्या है ना राजस्थानी, देखो राजस्थान में या तो होती है तेज गर्मी एकदम मतलब 50 डिग्री हम सह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर होती है तेज एकदम ठंड जिसमें हमारा 1-2 डिग्री भी चला जाता है कभी कभार, लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि मतलब आप दिन में एकदम गर्मी थी, इवनिंग तक होते होते बारिश होते होते मतलब एकदम ठंडक हो गई, और आपको पता भी नहीं चला आपका गला चौक हो गया, आपने कुछ ठंडा वंडा पानी पी लिया आपको पता भी नहीं आया, अब वही है। बाकी यहाँ ठंड नहीं होती है ना, गर्मी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है एवरेज 25 डिग्री टू 30 डिग्री ठीक है, तो रही ये बात है। बाकी तो अब आप लोगों का हम मतलब जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ हम कंटिन्यूसली, और साथ में ये रहेगा कि आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोग शेयर करेंगे, अभी हमें भी कुछ नहीं पता, हम लोग बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि आगे का कुछ नहीं पता लेकिन हम निकल चुके हैं बस अपने रास्ते पे, वो वाली चीज़ है।
हाँ 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 भाई दिखाओ बच्चे को, बच्चे को दिखाओ। दिव्यांशु, ये हमारा बेटा दिव्यांशु, इधर से नहीं दिखा। हाँ अब दिखा, अब दिखा। एक्चुअली ये अपने गाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आजकल। यूट्यूब पे क्या है ना कि मतलब यूट्यूब ऐसा हो गया, बड़े बच्चे जो हो सब एज के लोग यूट्यूब, ये अपने यूट्यूब पे वो यूट्यूब किट आता है उसपे अपने पोयम्स और पोयम भी मतलब मैंने देखा कंटेंट बहुत अच्छा है। आप भी रेफर कर सकते हैं यूट्यूब किट करके, तो वो भी बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, जो मतलब जिनके बच्चे मतलब 1-5 ईयर्स ओल्ड हैं, और जो मतलब बिना खा मतलब यूट्यूब देखे आजकल लोग क्या हो गया ना, एक जनरेशन में यह आ गया है कि मतलब बच्चों को भी एक अट्रैक्शन चाहिए कि वो कहीं बिजी रहे और फिर वो खाना खा ले। तो कई फैमिली मेंबर्स और फैमिलीज जो होती है वो ऐसा ट्राई करते हैं कि वो कहीं खाना खाते खाते कहीं ना कहीं बिजी रहे, तो वो खाना आराम से खा लेते हैं। हालांकि ये अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं भी नहीं प्रेफर करता कि बच्चे ज़्यादा टीवी देखें, ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कई सर्कमटेंसेस कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है, उसको बस ये है कि धीरे धीरे ओवरकम कर सकते हैं अपन, धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं बच्चे को, बच्चा समझता थोड़ी ना है। तो और आज के लिए देखिए, अभी व्लॉगिंग तो आज हमने की नहीं है, जस्ट हमने इंट्रो किया है, मैं आया हूँ जस्ट, और उससे पहले इसने थोड़ा बहुत, आज हम व्लॉगिंग कर नहीं पाए दिन में, क्योंकि आज जाके दिन में इसकी तबीयत ठीक हुई है, उसके बाद मतलब मैंने बोला ठीक है शाम को स्टार्ट करेंगे, तो आज हमने शाम को ही स्टार्ट करा और अभी ख़त्म कर रहे हैं। कल हम नए व्लॉग में आपसे मिलेंगे, तो जब तक आप ये व्लॉग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ठीक है, हो गया आज। अभी मैं मतलब वो भी कह रहा है, बेटा भी हमारा कह रहा है बाय 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 कह रहा है वो। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।